वेलकम बैक टू सी जी शिक्षा माइडी निशा सर। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का फिफ्टीन चैप्टर, ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर है भाई, ठीक है। इसके बाद ये आप लोग कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 11th क्लास का फिजिक्स का हम लोग 15th चैप्टर तरंग स्टार्ट करते हैं भाई। तरंग के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और एक इसके बेसिस पे रहेगा, ये 11th क्लास फिजिक्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्लास के सेक्शन में हम लोग तरंग के बारे में जानते हैं, वेव्स के बारे में जानते हैं भाई, ठीक है। वेव्स किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किसके किसके बेसिस में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानने वाले हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो क्लास 11th के फिजिक्स में हम लोग जब वेव्स तरंगे के बारे में जानते हैं तो हमारे पास कौन कौन से तरंगे आते हैं और ये किसके बेस पे होती है, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, इस चैप्टर में पूरा तरंग के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग तरंग है, क्योंकि हम लोग जो फिजिक्स एक सेक्शन में पढ़ते हैं, हम लोग यांत्रिकी के बेस पे पढ़ते हैं, तरंगे के बेस पे पढ़ते हैं, प्रकाशिकी के बेस पे पढ़ते हैं। एक तरंग प्रकाशिकी होती है, एक किरण प्रकाशिकी होती है, एक चुंबकत्व होती है, एक वैद्युत होती है, एक स्थिर वैद्युत होती है, एक वैद्युत होती है, एक चुंबकत्व होती है, एक स्थायी के रूप में होता है, एक विभव के रूप में पढ़ते हैं, एक वैद्युत विभव के बारे में पढ़ते हैं, एक में स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ते हैं, एक में गतिशील गति, ठीक है, इसके चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे कंटेंट हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग देखेंगे तरंग के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर में तरंग के माध्यम से क्या क्या कंटेंट रहेगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए तरंग के बारे में जानते हैं भाई। तो बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन के बेस पे हम लोग इस चीज़ की स्टार्ट करते हैं भाई। इंट्रोडक्शन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई, इंट्रोडक्शन के माध्यम से हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो क्लास 11th के फिजिक्स के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, भौतिकी के अंतर्गत, कि हमारे तरंग के माध्यम से, तरंगे के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होते हैं और ये किसके वेव्स पे होगा, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग इस जानेंगे। तो पहला वीडियो का स्टार्ट हम लोग इंट्रोडक्शन के माध्यम से करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन के माध्यम से करते हैं इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम लोग, ठीक है, कि इस चैप्टर में तरंग के बारे में हम लोग कौन कौन से जो कंटेंट है इसको देखने वाले हैं भाई, ठीक है, कि तरंगे के बेस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे। तरंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, यांत्रिक तरंगे क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और तरंग में अनुप्रस्थ क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे के माध्यम से, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, तरंगों का सिद्धांत, तरंगों की विशेषताएं, तरंगों का सिद्धांत और तरंगों की विशेषताएं, ठीक है, ये चीज देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक यांत्रिक तरंगे के बेस पे हम लोग इस चीज को जान सकते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगे के माध्यम से, एक अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम से, एक तरंगों के सिद्धांत से, एक तरंगों की विशेषता के बेस पे जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर करेंगे भाई कि ये दोनों किसके किसके माध्यम से रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेंगे। तो पहला यांत्रिक तरंगे के बेस पे जान सकते हैं, दूसरा अनुप्रस्थ तरंगे के बेस पे जान सकते हैं, तीसरा अनुदैर्ध्य तरंगे के बेस पे जान सकते हैं, फिर तरंगों का सिद्धांत और तरंगों की विशेषताएं के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। 15 चैप्टर के बेस से हम लोग इसको तरंग के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि तरंग के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये किसके बेसिस में रहेगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं, ठीक है। तो 11th क्लास के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, भौतिकी के बेसिस से हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और ये किसके बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो कक्षा 11th के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, भौतिकी के बेस में तरंगों के माध्यम से, कि तरंगे माध्यम से क्या क्या कंटेंट रहेगा, यांत्रिक तरंगों के माध्यम से क्या रहेगा, अनुप्रस्थ तरंगे के माध्यम से क्या रहेगा,
अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम से क्या रहेगा, तरंगों का सिद्धांत के माध्यम से क्या रहेगा, तरंगों की विशेषताएं के माध्यम से क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग तरंग के माध्यम से जानेंगे कि यांत्रिक तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, तरंगों का सिद्धांत क्या होता है, तरंगों की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, तो तरंगे के माध्यम से जान सकते हैं, यांत्रिक तरंगे किसके बेस पे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे किसके बेस पे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे किसके बेस पे होती है, तरंगों का सिद्धांत किसके अकॉर्डिंग में होती है, और तरंगों की विशेषताएं किसके बेस पे होती है। ठीक है, तो यांत्रिक तरंग के बेस पे जान सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे जान सकते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग के बेस पे जान सकते हैं, तरंगों का सिद्धांत को जान सकते हैं, तरंगों की विशेषताएं को हम लोग इस चीज़ के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि ये तरंग के अकॉर्डिंग में क्या क्या आएगा और ये किसके बेस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि तरंगे के माध्यम से क्या क्या होगा, यांत्रिक तरंगे किसके बेस पे रहेगा, अनुप्रस्थ तरंगे किसके बेस पे रहेगा, अनुदैर्ध्य तरंगे किसके बेस पे रहेगा, तरंगों का सिद्धांत, तरंगों की विशेषताएं। ठीक है, तो तरंगे के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि यांत्रिक तरंगे किसके अकॉर्डिंग होती है, अनुप्रस्थ तरंगे किसके अकॉर्डिंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे किसके अकॉर्डिंग होती है, तरंग का सिद्धांत किसके बेस पे होता है, और तरंगों की विशेषताएं भी किसके बेस पे होती है, यांत्रिक तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, तरंगों का सिद्धांत, तरंगों की विशेषताएं। तो यांत्रिक तरंग के बेस पे जान सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे के बेस पे जान सकते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग के बेस पे जान सकते हैं, तरंगों का सिद्धांत को जान सकते हैं, तरंगों की विशेषताएं को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक यांत्रिक तरंगों के बेस पे हो जाएगा, एक अनुप्रस्थ तरंगे के बेस पे हो जाएगा, एक अनुदैर्ध्य तरंग के बेस पे हो जाएगा, एक तरंगों का सिद्धांत हो जाएगा, एक तरंगों की विशेषताएं हो जाएगा। ठीक है, तो यांत्रिक तरंग के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं, एक को अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे, एक को अनुदैर्ध्य तरंग के बेस पे, एक को तरंगों का सिद्धांत, एक को तरंगों की विशेषताएं के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से वन बाय वन करके इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते जाते हैं भाई कि ये तरंग के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है और ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, ये दोनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से और इस चैप्टर के टॉपिक के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से, यहाँ से हम लोग शुरुआत किससे करेंगे भाई, तो शुरुआत हम लोग इंट्रोडक्शन से करेंगे। ठीक है, शुरुआत हम लोग किससे करेंगे, शुरुआत हम लोग इंट्रोडक्शन से करेंगे। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस में भी आएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के माध्यम से जान सकते हैं भाई ये किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो यांत्रिक तरंगे के माध्यम से जान सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे के माध्यम से जान सकते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से जान सकते हैं, तरंगों का सिद्धांत के माध्यम से जान सकते हैं, तरंगों की विशेषताएं के अनुरूप में जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि यांत्रिक के बेसिस पे क्या होता है, अनुप्रस्थ के बेसिस पे क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग के बेस पे क्या होता है, तरंगों का सिद्धांत किसके बेस पे होता है, तरंगों की विशेषताएं किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगे के माध्यम से जानेंगे, अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम से जानेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से जानेंगे, तरंगों का सिद्धांत के बेस पे जानेंगे, तरंगों की विशेषताएं के अकॉर्डिंग में जानेंगे, वेप्स तरंगों के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं भाई। ठीक है, कि यांत्रिक तरंगे किसके बेस पे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे किसके बेस होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे किसके बेस होती है, तरंगों का सिद्धांत किसके बेस पे होता है, तरंगों की विशेषताएं किसके अकॉर्डिंग होता है, तरंग किसके किसके बेसिस पे होता है, यांत्रिक तरंगे किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे किसके बेस पे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे किसके बेस पे होती है, तरंगों का सिद्धांत किसके अकॉर्डिंग में होता है, तरंगों की विशेषताएं किसके बेस पे होता है, यांत्रिक तरंगे किसके बेस पे हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगे किसके बेस हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंगे किसके बेस हो जाएगा, तरंगों का सिद्धांत भी किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, तरंगों की विशेषताएं भी
किसके किसके बेस पे रहेगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि यांत्रिक तरंगे किसके बेस पे रहेगा, अनुप्रस्थ तरंगे किसके बेस पे रहेगा, अनुदैर्ध्य तरंगे किसके बेस पे रहेगा, तरंगों का सिद्धांत, तरंगों की विशेषताएँ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, यांत्रिक तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, तरंगों का सिद्धांत किसके अकॉर्डिंग होता है, तरंगों के अनुरूप क्या क्या कंटेंट होते हैं, यांत्रिक तरंगे किसके बेस पे रहेगा, अनुप्रस्थ तरंगे किसके बेस पे रहेगा, अनुदैर्ध्य तरंगे किसके बेस पे रहेगा, तरंगों का सिद्धांत किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और तरंगों की विशेषताएं भी किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा। तो यांत्रिक तरंगों के माध्यम से जान सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे के माध्यम से जान सकते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से जान सकते हैं, तरंगों का सिद्धांत के माध्यम से जान सकते हैं, तरंगों की विशेषताएं के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो तरंगों के माध्यम से जान सकते हैं कि यांत्रिक तरंगे किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और अनुप्रस्थ तरंगे किसके बेस पे रहेगा, ठीक है। तो यांत्रिक तरंग के बेस पे जान सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे जान सकते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग के बेस पे जान सकते हैं, तरंगों का सिद्धांत के अकॉर्डिंग में जान सकते हैं, तरंगों की विशेषताएं के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि इसमें यांत्रिक तरंगे किसके बेस पे होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे किसके बेस पे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे किसके बेस हो जाएगा, तरंगों का सिद्धांत किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और तरंगों की विशेषताएं किसके बेस पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से हम लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से शुरुआत करते हैं हम लोग प्रस्तावना के माध्यम से, इंट्रोडक्शन के बेसिस पे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के बेस पे हम लोग देखते हैं, ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है, ठीक है। यहाँ से तो आप लोग जानते ही हैं कि ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए क्या है, वरदान है। ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए क्या होती है भाई, वरदान होती है भाई। ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए, क्योंकि ध्वनि के बिना पूरा जीवन आपका शून्य है, ठीक है। ध्वनि के बिना और प्रकाश के बिना पूरा जीवन अंधकार में है, इसलिए इन दोनों का बहुत ही अहम भूमिका है, अहम रोल है हमारे जीवन के लिए, ठीक है, ये जीवन के लिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान होते हैं भाई। ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए क्या होते हैं, वरदान है, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं, क्रियाकलापों तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, ठीक है। हमारे पास दो कंटेंट के माध्यम से होते हैं, पहला ध्वनि के माध्यम से होता है, दूसरा प्रकाश के माध्यम से होता है। पहला ध्वनि के माध्यम से होता है, दूसरा प्रकाश के माध्यम से होता है भाई, ठीक है। तो पहला ध्वनि के बेस पे देखते हैं, ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को और क्रियाकलापों को तथा भाई योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के माध्यम से जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आपके पास अलग अलग कंटेंट के बेस पे आता है कि ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों, अनुप्रयोगों एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम
संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों, अनुप्रयोगों एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों, अनुप्रयोगों एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों, अनुप्रयोगों एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। तो पहला कंटेंट के एक रीडिंग में हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को और क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं। ठीक है, कायम कर भावनाओं को और क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं। क्या करते हैं? रूपरेखा को तय करते हैं भाई। ठीक है, तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का और अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्रकाशित घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके, ठीक है, ये उनके है ना। तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को और क्रियाकलापों तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशित घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का, अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का एवं अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का, अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का, अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का एवं अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का, अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। तो जब भी हम लोग इंट्रोडक्शन के बेस पे देखते हैं भाई कि ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है,
ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्राकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का, अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं के रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्राकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का, अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ध्वनि के माध्यम से क्या होगा, ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं के रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्राकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का, अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं के रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्राकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का, अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्राकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का, अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं के रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों, अनुप्रयोगों एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से प्रस्तावना के माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा कि भाई हम लोग ध्वनि के माध्यम से और प्रकाश के माध्यम से, क्योंकि ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग, तरंग के दो प्रकार होती है आप लोगों की, एक ध्वनि तरंग के माध्यम से होती है, एक प्रकाश तरंग के माध्यम से होती है। ठीक है, तो हम लोग ध्वनि तरंग के माध्यम से जान सकते हैं और प्रकाश तरंग के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, कि ध्वनि तरंग के माध्यम से क्या होता है और प्रकाश तरंग के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग ध्वनि तरंग के माध्यम से जान सकते हैं और एक को प्रकाश तरंग के अंतर्गत जान सकते हैं। ठीक है, कि ध्वनि तरंग के बेसिस पे क्या होता है और प्रकाश तरंग के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग ध्वनि तरंग के माध्यम से जान सकते हैं और एक को हम लोग प्रकाश तरंग के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, कि ध्वनि तरंग के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होता है और प्रकाश तरंग के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग ध्वनि तरंग के बेसिस पे जान सकते हैं और एक को प्रकाश तरंग के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों के बेस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं के रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्राकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का, अनुप्रयोगों का, विभिन्न अवधारणाओं का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्राकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का, अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा
हर ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग वन बाय वन करके क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये किसके किसके क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेंगे। तो जब भी ध्वनि तथा प्रकाश की बात होती है तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए उतने ही वरदान साबित होते हैं जितने प्रकाश के लिए होते हैं, क्योंकि ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर सकते हैं। ध्वनि के माध्यम से हम संवाद को कायम करके अपने भावनाओं को और अपने क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं को रूपरेखा तय कर सकते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्राकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों, अनुप्रयोगों एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ध्वनि के माध्यम से क्या होता है, प्रकाश के माध्यम से क्या होता है। तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का, अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों, अनुप्रयोगों एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं कि ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का, अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का, अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का, अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं के रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का, अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से, इंट्रोडक्शन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, ये दोनों किसके क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा को क्या कर सकते हैं, तय कर सकते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का और अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं, ध्वनि के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हम संवाद को कायम कर सकते हैं भाई, और अपनी भावनाओं को और क्रियाकलापों को और भावी योजनाओं की
योजनाओं की, ठीक है, रूपरेखा। रूपरेखा तय कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रकाश के अंतर्गत देखते हैं भाई कि प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा हम प्रकाशिक प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का एवं उनके उनके गुणों का अनुप्रयोगों का और उनके विभिन्न अवधारणाओं का क्या कर सकते हैं, अध्ययन। का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों अनुप्रयोगों विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा, ये किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान है। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का अनुप्रयोगों का एवं विभिन्न अवधारणाओं का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ध्वनि के माध्यम से भी जान सकते हैं और प्रकाश के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ध्वनि के बेसिस पे क्या हो जाएगा और प्रकाश के बेसिस पे भी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान होते हैं। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम कर भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का अनुप्रयोगों के विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, इंट्रोडक्शन के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होगा और ये किसके किसके बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन के बेस पे आपके पास ये ध्वनि के माध्यम से किस तरीके से रहेगा और प्रकाश के बेस पे किस तरीके से रहेगा, क्योंकि ध्वनि तथा प्रकाश हमारे जीवन के लिए वरदान साबित होते हैं। ध्वनि की सहायता से हम संवाद कायम करके अपनी भावनाओं को, क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा को तय कर सकते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का अनुप्रयोगों के विभिन्न अवधारणाओं का भी क्या कर सकते हैं, अध्ययन करते हैं भाई, ठीक है। तो इस दोनों चीज़ों के बेस पे आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ध्वनि के बेस पे क्या होता है, प्रकाश के बेस पे क्या होता है, क्योंकि ध्वनि की सहायता से हम संवाद को कायम कर भावनाओं को, अपनी क्रियाकलापों को तथा भावी योजनाओं की रूपरेखा तय करते हैं, जबकि प्रकाश तथा प्रकाशिक घटनाओं के द्वारा वस्तुओं का दर्शन एवं उनके गुणों का अनुप्रयोगों के विभिन्न अवधारणाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि ध्वनि तथा प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यहाँ पर देखते हैं भाई, ठीक है, कि ध्वनि यहाँ पर दिया गया, देखिए कि ध्वनि तथा प्रकाश
यहाँ पर दो चीज़ें फिर से वही पहला ध्वनि के बेस पे आ गया, साउंड के बेस पे, और फिर यहाँ पर प्रकाश। लाइट के बेस पे तो ये ध्वनि, ये प्रकाश। तो ध्वनि तथा प्रकाश, ध्वनि तथा प्रकाश के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से, ठीक है, कि ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, तरंगों के रूप में ही होता है, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, किसके रूप में होता है, तरंगों के रूप में ही होता है, किसके रूप में होता है भाई, तो तरंगों के रूप में ही होता है, किसके रूप में होता है भाई, तो तरंगों के रूप में ही होता है, ठीक है। हम इस चीज़ को तरंग के माध्यम से जानते हैं भाई, ठीक है, हम इस चीज़ किसके माध्यम से जानते हैं, तरंग के माध्यम से जानते हैं, ठीक है, कि तरंग के बेसिस पे हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, तरंगों के रूप में ही हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, किसका किसका, ध्वनि तथा प्रकाश का, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, ठीक है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए सेकेंड कंटेंट में, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुँचती है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुँचती है, हमारे घरों तक क्या होती है भाई, पहुंचती है। तो यहाँ से हम लोग जान सकते हैं भाई कि ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में होता है, किसके रूप में होता है भाई, तरंगों के रूप में होता है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुँचती है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुँचती है भाई, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुँचती है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुँचती है, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं,
जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आरामदायक बनाते हैं भाई, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ध्वनि के बेसिस पे क्या होता है और प्रकाश के बेसिस पे क्या होता है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुँचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि ध्वनि तथा प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो यदि तरंगों के रूप में विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, तरंग के माध्यम से विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है भाई, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आराम महसूस करते हैं। जैसे गर्मी लगती है तो फैन ऑन करते हैं, ठीक है। अगर गर्मी है तो हम लोग ठंडे पानी के लिए फ्रिज का यूज करते हैं। उसी प्रकार से है कि ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखर ध्वनियों का रसा स्वादन भी करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, डील कर सकते हैं कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं तरंगों के द्वारा ही, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही, देखिए यहाँ से, तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। विभिन्न संसाधन क्या हुए हैं? उपलब्ध हुए हैं भाई, ठीक है। तो तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। किसके रूप में होता है? तरंगों के रूप में ही होता है, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक महसूस करते हैं। सुखद एवं क्या महसूस करते हैं? आरामदायक महसूस करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से, ध्वनि तथा प्रकाश का जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ध्वनि तथा प्रकाश के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ जाएगा, ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रसा स्वादन करते हैं, अतः तरंग के विभिन्न गुणों का एवं अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों का एवं उनके अनुप्रयोगों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे भाई, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, ठीक है। ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण
तरंगों के रूप में ही होता है। ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। ठीक है, तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रसा साधन करते हैं। ठीक है, तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को भी जान सकते हैं भाई कि ध्वनि के माध्यम से क्या होता है, प्रकाश के माध्यम से क्या होता है, प्रकाशिकी किसके अंतर्गत होती है और तरंग किसके अंतर्गत होती है, ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुँचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रस स्वादन करते हैं। अतः तरंग के विभिन्न गुणों का एवं उनके अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए हम उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो कि आवश्यक होता है। ठीक है, तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुँचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। किसके रूप में होता है, संचरण तरंगों के रूप में ही होता है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा और ये किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि यहाँ से कि ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का बेसिस में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ध्वनि तथा प्रकाश के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है और ये दोनों किसके एक रोडिंग में भी रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। और जब भी हम लोग तरंग के बेस पे जानते हैं, यहाँ पर देखिए कि ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है और तरंगों के रूप में विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुँचती है। जान रहे हो जैसे कि अभी पर यहाँ पर लाइट जल रहा है, जो फोकस चल रहा है, जो कैमरा चल रहा है, जो स्टैंड है, सभी इसी लाइट के ही वजह से। ठीक है, क्योंकि लाइट के माध्यम से ही हम लोग आज का 100% वर्क उसी के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक महसूस करते हैं, जैसे कि हमको खाना
खाना खाना है, अंधेरा है तो लाइट का यूज करते हैं, तभी हम लोगों को सुखी सुखद अनुभव करते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए, मतलब तरंग के द्वारा ही हम लोग संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध किए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखर ध्वनियों का रस स्वादन होता है। स्वादन हम लोग करते हैं भाई, ठीक है। अतः तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए, ठीक है, अतः तरंग के विभिन्न गुणों एवं उनके अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना क्या होता है? आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ से जान सकते हैं कि तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रस स्वादन करते हैं, अतः तरंग के विभिन्न गुणों का एवं उनके अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों को एवं उनके अनुप्रयोगों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। एवं उनके अनुप्रयोग का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो जब भी ध्वनि के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, तो यहाँ पर ध्वनि माध्यम के माध्यम से देख सकते हैं, दूसरा को प्रकाश माध्यम, ठीक है। तो ये आप लोग ध्वनि माध्यम के बेस हो जाएगा, ये आप लोगों का प्रकाश माध्यम के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जान सकते हैं भाई कि ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रस स्वादन करते हैं। अतः तरंग के विभिन्न गुणों एवं उनके अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना क्या होता है? आवश्यक होता है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों का एवं उनके अनुप्रयोगों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे भाई, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रस स्वादन करते हैं। अतः तरंग के विभिन्न गुणों का एवं उनके अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों को एवं अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रस स्वादन करते हैं। अतः तरंग के विभिन्न गुणों का एवं अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों का एवं अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे भाई, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रस स्वादन करते हैं। अतः तरंग के विभिन्न गुणों का एवं अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों का एवं उनके अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहला तो ये साउंड के बेसिस पे हो जाएगा आपके पास, किसके बेस हो जाएगा भाई? ये साउंड के बेस पे, और दूसरा लाइट, ठीक है। एक आपका साउंड के बेस होता है, एक आपका लाइट के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो एक को हम लोग साउंड के बेस पे कर लेंगे, दूसरे को लाइट के बेसिस पे कर लेंगे, ठीक है। तो एक साउंड के माध्यम से हो जाएगा और एक आप लोगों का लाइट के
माध्यम से हो जाएगा। साउंड के बेस पे देख सकते हैं और लाइट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है, कि साउंड के बेसिस पे क्या होगा और लाइट के बेसिस पे भी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साउंड के माध्यम से हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और लाइट के माध्यम से भी हमारे पास क्या कंटेंट आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को भी जान सकते हैं भाई कि साउंड के बेसिस पे क्या होगा और लाइट के बेसिस पे भी हमारे पास क्या कंटेंट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा, ठीक है। ध्वनि के माध्यम से जान सकते हैं कि क्या होगा और प्रकाश के माध्यम से जान सकते हैं भी क्या होगा, ठीक है। तो प्रकाश के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों के बेस पे क्या क्या कंटेंट रहेंगे और ये किसके बेसिस पे भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं कि ध्वनि के माध्यम से क्या होता है, प्रकाश के माध्यम से क्या होगा, प्रकाश के माध्यम से क्या होगा और ध्वनि के माध्यम से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक को प्रकाश के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, एक को हम लोग ध्वनि के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ध्वनि के बेसिस पे क्या होता है और प्रकाश के बेसिस पे भी क्या होता है, ठीक है। तो एक को हम लोग ध्वनि के माध्यम से क्लियर करेंगे, एक को हम लोग प्रकाश के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रसास्वादन करते हैं। अतः तरंग के विभिन्न गुणों का एवं अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों का एवं अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रसास्वादन करते हैं। अतः तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों का एवं उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रसास्वादन करते हैं। अतः तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं भाई, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रसास्वादन करते हैं। अतः तरंग के विभिन्न एवं अनुप्रयोगों से हम अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना क्या होता है, आवश्यक होता है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों एवं उनके अनुप्रयोगों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रसास्वादन करते हैं। अतः तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे भाई, ठीक है। तो ध्वनि तथा
प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रसा स्वादन करते हैं। अतः तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। तो इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों का एवं अनुप्रयोगों का क्या करेंगे भाई, अध्ययन करेंगे कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रसा स्वादन करते हैं। अतः तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों का ही हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुँचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रस स्वादन करते हैं। अतः तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों का एवं अनुप्रयोगों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे भाई, ठीक है। तो जब भी ध्वनि के माध्यम से आप लोगों को कोई भी एनालिसिस करना रहेगा, ध्वनि के माध्यम से क्या होता है या फिर प्रकाश के माध्यम से क्या होता है, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक ध्वनि के माध्यम से होती है, एक प्रकाश के माध्यम से होती है। तो प्रकाश के माध्यम से हमारे पास क्या कंटेंट रहेंगे और ध्वनि के माध्यम से हमारे पास क्या कंटेंट रहेंगे, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रसा स्वादन करते हैं। अतः तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रस स्वादन करते हैं। अतः तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों एवं उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रस स्वादन करते हैं। अतः तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों का एवं उनके अनुप्रयोगों के बारे में ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग ध्वनि के बारे में देखते हैं या फिर प्रकाश के बारे में देखते हैं भाई, ठीक है, एक ध्वनि से रिलेटेड होता है, एक प्रकाश से रिलेटेड होता है, ठीक है, जो कि एक एक बिंदु के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो एक एक बिंदु के एक रोडिंग में जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन के एक रोडिंग में आएगा भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के
एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके एक रोडिंग में रहेगा, ध्वनि के माध्यम से रहेगा कि प्रकाश के माध्यम से रहेगा। क्योंकि अगर प्रकाश के माध्यम से हमारे पास आ रहेगा तो क्या कंटेंट आएगा, और ध्वनि के माध्यम से रहेगा तो क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पर रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ध्वनि के माध्यम से क्या होता है और प्रकाश के माध्यम से क्या होता है, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुँचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं, तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रस साधन करते हैं, अतः तरंग के विभिन्न गुणों का एवं अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुँचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं, तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रसास्वादन करते हैं, अतः तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे भाई, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में होता है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुँचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं, तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं, तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रसास्वादन करते हैं, अतः तरंग के विभिन्न गुणों का एवं अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इस अध्याय में भी हम इस तरंग के विभिन्न गुणों का एवं उनके अनुप्रयोगों का भी अध्ययन करेंगे भाई, ठीक है। कि ध्वनि के माध्यम से क्या होता है, प्रकाश के माध्यम से क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे बिंदु से किस तरीके से अटैचमेंट है, ये दोनों किस किस तरीके से यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो ध्वनि के बेसिस पर जब भी आपके पास कंटेंट आएगा तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ध्वनि के बेसिस पे क्या होता है, प्रकाश के बेसिस पे क्या होता है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं, तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं, तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रसास्वादन करते हैं, अतः तरंग के विभिन्न गुणों का एवं उनके अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों का एवं अनुप्रयोगों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे भाई, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुँचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं, तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं, तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रसास्वादन करते हैं, अतः तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ध्वनि तथा प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है, तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुँचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं, तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं, तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रसास्वादन करते हैं, अतः तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों एवं उनके अनुप्रयोगों के बारे में भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे भाई कि ये दोनों किसके बेस पर रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पर रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो ध्वनि तथा
प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण तरंगों के रूप में ही होता है। तरंगों के रूप में ही विद्युत धारा हमारे घरों तक पहुंचती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखद एवं आरामदायक बनाते हैं। तरंगों के द्वारा ही संचार के विभिन्न संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तरंगों के द्वारा ही सुखद ध्वनियों का रस साधन करते हैं। अतः तरंग के विभिन्न गुणों एवं अनुप्रयोगों से अवगत होने के लिए उसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस अध्याय में हम तरंग के विभिन्न गुणों एवं उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे।